बदाली से जूझ रहे कंगाल पाकिस्तान को भारत कोई मदद करने वाला नहीं है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देता रहा है। भारत में कई आतंकी हमलों के दोषी पाकिस्तान में ही छिपे बैठे हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद जिम्मेदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा कि कोई भी ऐसा देश ना तो अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकता है ना ही समृद्ध हो सकता है, जिसका मूल उद्योग आतंकवाद है। आतंकवाद भारत पाकिस्तान संबंधों का मूलभूत मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम मूलभूत समस्याओं से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय मुझे ये देखना होता है कि इस पर जनता क्या राय रखती है। ये बात उन्होंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम G20 फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स को संबोधित करते हुए कही। एंड जस्ट एज यू नो अ कंट्री हैज टू फिक्स इट्स इकोनॉमिक इश्यूज, अ कंट्री हैज टू फिक्स इट्स पॉलिटिकल इश्यूज टू, अ कंट्री हैज टू फिक्स इट्स सोशल इश्यूज। यू नो no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. So they, you know, the, among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. जयशंकर ने कहा कि आज भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत एक धैर्यवान देश है, ये एक ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देशों से हमेशा विवाद करने पर उतारू रहता है। लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी भारत को धक्का नहीं दे सकता और ना वो अपनी सीमा रेखा किसी को लांघने देगा। आज भारत इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी हमारी उदारता को हमारी कमजोरी ना समझे। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ सालों में हमारी पश्चिमी सीमा पर कई प्रयोग किए गए, अब चीजें थोड़ी अलग है, हर कोई इससे सहमत होगा। 2016 और 2019 में कुछ चीजें घटित हुई थी। उत्तरी सीमाओं पर हमारी लगातार परीक्षा हो रही है। भारत इस परीक्षण में कैसे सफल होता है, ये हमारे संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सरकार के साथ भारत का उद्योग जगत भी जिम्मेदार है। उद्योग जगत ने भी सही समय पर उत्पादन का आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां लाकर इसमें कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर विदेशी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। साथ ही कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।